सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना अली भाई। तो गाइस आप लोग कैसे कमेंट करके बताना, उम्मीद करते हो एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग एकदम मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं अभी सब दुकानें खुल रहे हैं। तो गाइस मॉर्निंग में एक छोटा सा काम था, वो काम हम निपटा दिए, अब जा रहे हैं ब्लॉग शूट करने। तो आप लोग गाइस ब्लॉग में बने रहना, थोड़ा भी स्किप मत करना आज का ब्लॉग, आज बहुत जल्दी एकदम हम स्टार्ट कर दिएगा। और गाइस थोड़ा वॉइस चेंज है तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अभी हम अहमदाबाद के बस स्टॉप पे आ चुके हैं, अभी सुबह के गाइस 8 बज रहे, इतना मॉर्निंग में कोई दुकान भी उतना नहीं खुला हुआ है। आजमगढ़ यहाँ से 100 किलोमीटर है, लखनऊ 350 किलोमीटर है यहाँ से, पास में यही कोई खास दूर नहीं है। देखते टाइम मिलेगा तो किसी दिन जाएंगे लखनऊ ईद बाद। देख रहे हो गाइस NH की हालत, नेशनल हाईवे है ये, और इसी रोड पे देख रहे हो गाइस सब कैसे जा रहे हैं आ रहे हैं। अगर कोई गाड़ियों के सामने अचानक से आ जाएंगे तो क्या हालत होगा, देख रहे हैं गाय है, खुला सांड है ये सब। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ ये चाचा देखो कहाँ चले आ रहे हैं, ओ कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, इसलिए तो यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। कल तो मेरे सामने एक हुआ, रिकॉर्ड नहीं कर पाए बिकॉज कैमरा नहीं था उस टाइम मेरे पास, बहुत गंदा गिरा था बाइक वाला। ओ चाचा बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत दिन से हम बाइक भगाए नहीं ना तो मज़ा नहीं आ रहा है अपने को, तो अभी फुल पावर में एकदम बाइक भगाने वाले हैं। अचानक से अगर कोई आ गए तो काम खत्म। मज़ा आ रहा है गाइस, 100 पे चल रहे हैं अभी। ओ भाई 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 भाई, ये लर्निंग लाइसेंस वाला है ड्राइविंग, अचानक से घुसा देगा तो दिक्कत होगा। चेक दिस आउट गाइस, ओ ब्रेकर है, ओ भाई तो ब्रेकर पे हमने कुदा दिया, मज़ा नहीं आया। ओ चाचा अब मजा आ रहा है गाइस बाइक भगाने के बाद, देख रहा हूँ 100 पे चल रहा है, 100 प्लस। भाई साहब कट मारने में मजा आता है अपने को, बगैर कट का मजा नहीं आता है। ओ आई होप कि आपको भी मज़ा आएगा ये ब्लॉग देखने के बाद आज का। तो गाइस आपका भाई आ चुका है फाइनली मोहम्मदाबाद में। मोहम्मदाबाद वाले भाइयों, गाजीपुर वाले भाइयों, सपोर्ट करो अपने भाई को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो गाइस। अभी इस टाइम अपने बाप जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस, और सीओ का भी आर आ गया है गाइस, तो पुणे जाएंगे तो मज़ा आएगा ब्लॉग बनाने में। देख रहे हो सब छुट्टा साण है, ये गाय वो एकदम रोड पे ही घुस रहे हैं, इसीलिए तो एक्सीडेंट होता है। अचानक से आ जाएंगे तो क्या गाड़ी कंट्रोल होगा ही नहीं, ठुक जाएगा उसमें। देख रहे हो गाइस NH पूरा गाँव होते हुए चिपक के एकदम गया हुआ है, बिकॉज यहाँ पर कोई एक छोटा सा गाँव लगता है, इसके वजह से साइड में जगह नहीं है। फ्यूचर में अगर हो गया तो ठीक है, ऐसे तो मुश्किल ही लग रहा है। ओ साइकिल वाले भैया घुस मत जियो, देख सकते हैं एकदम नदी के किनारे आ गए गाइस, ये गंगा नदी है पूरा पास में ही है। अभी पानी उतना नहीं है, अभी बारिश का टाइम आने वाला है तो पूरा भर जाएगा ये गंगा नदी। आपको ये वाला नदी कोलकाता में भी दिखाए थे, गंगा नदी सासन घाट वाला जो ब्लॉक था टेढ़ी वाला,
नेशनल हाईवे पे गाइस चलने का बात ही अलग है, इस पे अलग ही फील आता है बाइक भगाने का। ये भी फ्यूचर में गाइस डबल लेन हो जाएगा, पास हो गया है सुनने में आ रहा है, बट कब होगा कुछ अपने को आइडिया नहीं है। डबल में हो जाएगा तो क्या होगा ना, एक्सीडेंट के चांस कम हो जाएंगे। तो भाई सर्दी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, वॉइस एकदम चेंज हो गया है। आप कमेंट करके बताना आपको वॉइस कैसा आ रहा है, आई होप कि अच्छा ही आता हो। देख रहे हो गाइस ये खड़ा है एकदम रोड के साइड में, अचानक से आ जाएगा तो क्या हालत होगा, कार हो या बाइक हो। बाइक वाला तो जगह पे ही गिर जाएगा, कार का तो चलो गिरेगा नहीं लेकिन उसका भी तो नुकसान होगा, एक्सीडेंट होगा। ये देखो साहब बाइक चला रहे हैं और एक हाथ लगा है कान में, बात चल रहा है, अरे घर पे जाके बात कर लेते हैं। सो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं मोहम्मदाबाद में, देख सकते हैं जा रहे हैं घर, बिकॉज थोड़ा तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन लग रहा है। तो अभी जाते हैं मेडिसिन लेते हैं गाइस, मेडिसिन खाएंगे फिर सो जाएंगे। थोड़ा भी एकदम मन नहीं कर रहा ब्लॉग शूट करने का, वो तो काफ़ी दिन हो गया था ब्लॉग शूट करके, तो ब्लॉग शूट कर रहा है बिकॉज कलकत्ता में डेली ब्लॉग नहीं हो पाता था बिकॉज वहाँ बाइक का प्रॉब्लम था। तो अभी तो बाइक अपने पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डेली ब्लॉग अब आएगा। ये देखो गाइस क्या एकदम रोड पे ही आ गए साहब, अगर ये मार देगा किसी को तो क्या होगा। ओ भाई साहब गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, एकदम हेलमेट तो पसीना से ही भींग गया है। ये वाला रोड तो पूरा सिंगल रोड है,